नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे टेक्निकल के सभी यूट्यूब चैनल पे। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोडाफोन में आप टोटल यहाँ पे ना फ्री डाटा कैसे ले सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे है ना टोटल आपको लगभग 22 या फिर है ना 28 GB तक का फ्री डाटा के बारे में बात करने वाला। टोटल यहाँ पे आपको है ना दो यहाँ पे कोड दूंगा और आपको एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो उसको अगर आप सही तरीके से आप वहाँ पे फॉलो करते हो, जैसे मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो यार आपको है ना 101% मिलेगा ही मिलेगा फ्री इंटरनेट डाटा। अब दोस्तों देखो, बहुत ही ज्यादा मतलब यहाँ पे दुख होता है कि यार आप लोगों ने, जैसे मैंने पुरानी वीडियोस में मैंने ना आप लोगों को बताया था कि यार आपको है ना यहाँ पे फ्री डाटा कैसे मिलता है। तो चलो मेरे यहाँ पे मैं आपको शो करा देता हूँ। जो भी वीडियोस मैंने अपलोड की है, एयरटेल हो गया है, वोडाफोन टेलीकॉम डिपार्टमेंट की मैंने जितने भी वीडियोस यहाँ पे अपलोड की है, सारी की सारी पहले मैं खुद जो है यहाँ पे है ना अप्लाई करता हूँ, उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो वोडाफोन जो 67 GB तक का डाटा के लिए मैंने आप लोग क्यों यहाँ पे वीडियो दिया था, लेकिन यार ये ना कुछ फ्रेंड्स के लिए जो है ये कामयाब हो गया, यानी कि कुछ बंदों का यहाँ पे अप्लाई हो गया और कुछ बंदे है ना यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पा रहे। यहाँ पे देख सकते हो 143 लाइक्स है और 66 डिसलाइक है, जो कि यार आप यहाँ से अंदाजा लगा ही सकते हो कि कुछ बंदों को कई हद तक डाटा मिल चुका है और कुछ बंदों को नहीं मिला है। तो दोस्तों यार देखो, कभी कभी होता है ना, आप है ना इस वीडियो को जब रिकॉर्ड किया जाता है तो रिकॉर्ड करने के टाइम पे ना आप इमीडिएट देखते नहीं हो, इमीडिएट वीडियोज कुछ वॉच नहीं करते हो, तो यार आपको ना बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और आपको आप है ना ये वीडियोस को 3-4 महीने 5 महीने बाद देखते हो, तो यार वो जो भी कोड है ना वो काम करना बंद कर देती है। तो अगर आपको कभी भी अगर फ्री डाटा के बारे में सर्च करनी हो ना, तो आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूट्यूब जो है यहाँ पे ओपन कर लेना है। यूट्यूब ओपन करने के बाद आप वहां पे फिल्टर में जाके रिसेंट वीडियोस को चेकआउट करना है। रिसेंट वीडियोस में आपको पता चल जाएगा कि कौन से वीडियोस रिसेंट डाली है, तो आप उन्हीं को देख के ना अब फ्री इंटरनेट ले सकते हो। तो चलो यार बहुत ही ज्यादा हो गया बातचीत, अब मैं आपको टोटल लेके चलता हूँ अपने डायल पैड में और वहां पे दिखाता हूँ कौन से कोड्स आपको। तो गाइस सर, यहाँ पे आप देख सकते हो जो फर्स्ट हमारा जो कोड निकल के आता है 121365, राइट। तो इसको आपको डायल करना है। अब देखो आप लोग बोलोगे यार तेरे पास तो वोडाफोन है ही नहीं, तो यार तू वोडाफोन की वीडियोस क्यों बना रहा है। तो गाइस सर आपसे मैं कहना चाहता हूँ, मैंने ये जो है वोडाफोन को रिसेंटली एयरटेल में कन्वर्ट किया है। अगर आप मेरे पुराने फॉलोअर्स, तो आपको ये चीज पता हो कि मैंने इसके बारे में ऑलरेडी आप लोगों को बता भी दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने मेरे जो सेकंड नंबर जो एयरटेल का सिम है, मैंने इसको पहले वोडाफोन हुआ करता था, मैंने अभी एयरटेल में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 121365 को डायल करना है। जैसे आप इसको डायल करते हो, तो डायल करने के बाद है ना, रुको रुको यहाँ पे मैं प्रूफ भी दूंगा कि ये फ्री इंटरनेट डाटा वाला ही नंबर है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे कॉमेंट करके बाद में नहीं बोल सकते कि यार मैंने यहाँ पे फेक इन्फॉर्मेशन आपको दिया, राइट। तो जैसे 121365 आप डायल करते हो, तो डायल करने के बाद दोस्तों आपको है ना इंस्टेंटली यहाँ पे 10 GB डाटा बिल्कुल ही फ्री मिल जाएगा, अगर आप यहाँ के मतलब इस कोड के एलिजिबल हो तो, ठीक है। इस ऑफर की एलिजिबल हो तो आपको ये चीज मिल जाएगा, राइट। अब दोस्तों दूसरे जो नंबर पे निकल के आता जो कोड है वो है 121363, ठीक है। आपको करना क्या, 121363 इस वाले कोड को भी आपको डायल करना है, क्योंकि यार देखो मैं हर वीडियो में इस कोड की मैं जिक्र करता हूँ, इस कोड के बारे में बताता हूँ, इसको भी अगर आप अप्लाई करते हो तो अगर आप एलिजिबल हो इस ऑफर के लिए, तो यार आपको यहाँ पे इंस्टेंटली 10 GB डाटा यहाँ से भी बिल्कुल ही फ्री मिलने वाला है, ठीक है। ये दो जो है कोड्स है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका जो कोड्स अगर आप है ना चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन पे भी दे दिया हूँ, वहां पे भी देख लो। अब दोस्तों देखो, ये तो हो गया टोटल 20 GB डाटा, और बाकी के डाटा आपको मिलेंगे कहाँ से, अगर आप है ना माई वोडाफोन ऐप यूज नहीं करते हो, तो यार माई वोडाफोन पे ऐप को जो है आपको इंस्टॉल कर लेना है, और इंस्टॉल करने के बाद आपको है ना उसको अपने वोडाफोन नंबर से रजिस्टर्ड हो लेना है। जैसे आप वोडाफोन नंबर से रजिस्टर्ड हो लेते हो, तो रजिस्टर्ड होने के बाद यहाँ से भी आपको 2 GB डाटा बिल्कुल ही फ्री मिल जाएगा, राइट। अब दोस्तों देखो, दूसरे जो नंबर पे निकल के आ रहा है वोडाफोन का नया एप्लीकेशन के बारे में, जो कि है वोडाफोन, इसका नाम है वोडाफोन LWV,
जी हाँ दोस्तों, ये नया एप्लीकेशन है वोडाफोन लर्न विथ वोडाफोन। ठीक है, ये नया एप्लीकेशन है, इसको जो है आपको इंस्टॉल कर लेनी है। बस 3 MB की ही आसपास की एप्लीकेशन है, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है और यहाँ से को इसको भी वोडाफोन नंबर से रजिस्टर कर लेना है। इतना सा काम करते ही आपको यहाँ से भी जो है आपको फ्री डाटा मिल जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, अल्टीमेटली जितने भी वोडाफोन के एप्लीकेशन है उन सभी को अगर आप अपने फोन पर रखते हो तो यार वहां से आपको है ना 2 से 3 GB तक का डाटा आपको बिल्कुल ही फ्री मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स सर ये एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है आप सभी के लिए, प्लीज इसको आप अप्लाई करना और जरूर से बताना कि आपको ये ना डाटा मिला है नहीं। अब दोस्तों देखो, मैं यहाँ पे आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ कि यार यहाँ पे ना आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ कि ये जो कोड्स है ये काम करेंगे या नहीं। ठीक है, तो चलो मैं फर्स्ट वाला कोड आपको दिखा देता हूँ, 121365। ठीक है, वोडाफोन कोड जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो फ्री इंटरनेट ट्रिक, राइट। इसको अगर यहाँ पे खुद गूगल बता रहा है कि जो 121365 है ये फ्री इंटरनेट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखो दूसरा कोड यहाँ पे ट्राई करेंगे, 121363, राइट, यही है ना। तो इसको भी सर्च करके देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो ये भी फ्री इंटरनेट ट्रिक है। यानी कि यार आप 121365 करो या फिर 121363 ट्राई करो, यानी कि अल्टीमेटली घुमा फिरा के यहाँ पे आपको फ्री डाटा मिल रहा है। तो प्लीज यार वेट किस बात का, जाओ फटाफट से, और फटाफट से जाने के बाद आपको जो है इसको अप्लाई कर लो अपने डायल फेट से। और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर रख देना ताकि मैं कोई नया वीडियो डालू तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचे और आप सबसे पहले उस ट्रिक को देख पाओ। हाँ, गला खराब है, थोड़ी सी मतलब से माफी चाहता हूँ, ठीक है, वॉइस क्वालिटी खराब आई होगी, एडजस्ट कर लो यार। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहे और सीखते रहे।